हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। अभी नवरात्रा स्टार्ट है, देखिए मैं वीडियो दिखा रही हूँ। दुर्गा दुर्गा जी का मंदिर ही, ये बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हैं और ये भीड़ भाड़ अभी नहीं है, क्योंकि ये सीआरपी कैंप का अंदर जो रहता है मंदिर वो बना हुआ है। तो बहुत अच्छा ये मंदिर है, बहुत सुंदर, पूरा साफ सफाई रहता है, बहुत अच्छा है मंदिर। तो वहाँ पर पूजा करने के लिए आए हैं और सुबह में सब पूजे करके चले गए थे। जो कैंप के अंदर रहेंगे वही आएंगे, क्योंकि यहाँ के बाहरी तो कोई नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। तो जो अंदर रहते हैं सीआरपी कैंप के वही रहेंगे क्वार्टर में पूजा करने के लिए, क्योंकि बाहर यहाँ पर क्यों आएगा। तो यहाँ पर देखिए पूजा हो रहा है और दो चार उधर चार पांच लेडीज बैठी हुई है, तो वो भी अपने भगवान के भजन कीर्तन जो भी है गा रही है। बहुत सुंदर मंदिर है, अभी तो नवरात्रा स्टार्ट हुआ है, सुबह में पूजा हो गया था और यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। ये दुर्गा जी का चुंडी है, चुंडी चढ़ाने के लिए है और साड़ी और बिंदी चूड़ी मेकअप का सारा सामान चढ़ाने के लिए है दुर्गा जी को। दुर्गा जी को चुंडी चढ़ा दी है और जो भी सामान है फल मिठाई और चूड़ी बिंदी सिंदूर साड़ी सब चढ़ाना है भगवान को। देखिए मंदिर का डेकोरेशन बहुत अच्छा है, ये हमेशा ये बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर। अभी तो नवरात्रा है तो थोड़ा बहुत और कर दिया है, ऐसे भी ये टेंपल बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत अच्छा है। तो ये सीआरपी कैंप के अंदर है तो ज़्यादा भीड़ भाड़ का तो बात ही नहीं है, जो अंदर में रहते हैं क्वार्टर में वही सब लोग पूजा करने के लिए आते हैं। और मेरी फ्रेंड आई थी, मैं भी गई थी पूजा करने के लिए। देखिए दुर्गा जी का मूर्ति बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत बड़ा में बना हुआ है। सुबह शाम ज़्यादा भीड़ रहता है, तो अभी तो दोपहर है तो दोपहर में कम लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। मॉर्निंग में कलश स्थापन हुआ था तो उस टाइम ज़्यादा भीड़ भाड़ था, फिर शाम के टाइम रहेगा भीड़, अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं। और यहाँ हनुमान जी का मूर्ति है बहुत बड़ा, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पूरा मंदिर का व्यू दिखाती हूँ बाहर से लेकर अंदर तक के, ये कितना अच्छा बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है मंदिर। तो इसके बगल में एक चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है। मस्जिद नहीं है, गुरुद्वारा है, चर्च है, यही सब रहता है कैंप के अंदर बना हुआ। और ये दुर्गा जी का शंकर जी का मंदिर है, यहाँ पर देखिए शंकर जी का मंदिर है, इसमें ये भी बहुत सुंदर है। अब वो कैंप के अंदर जो मंदिर बना हुआ था दुर्गा जी का वो दिख गया। और देखिए अब दूसरे जगह ये जालंधर का ये देवी तलाव का मंदिर है, ये बहुत सुंदर बना हुआ है। वैष्णो देवी जिस तरह बना हुआ रहता है सेम उसी तरह सब उसी पर बना हुआ है, तो देखिएगा किस तरह बना हुआ, इंजॉय कीजिएगा। ये देवी तलाव जालंधर के देवी तलाव मंदिर है, बहुत सुंदर है, बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। इसमें छठ भी होता है, तो इसमें तालाब है तो छठ भी अर्घ भी देते हैं छठ के दिन में सभी। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, इसका व्यू देखिए बहुत सुंदर दिखता दिखते बनता है। यहाँ पर शौच भी बहुत सारा है, पूजा का जितना सामान रहता है और प्याज भी रहते हैं, बहुत बेंगल सर बहुत सामान मिलता है, बहुत सारा शौक था। भीड़ भी अच्छा था, मैं संडे के गई थी। तो पहले मंदिर गए, कैंप के अंदर जो मंदिर रहता है उसमें गए थे अपनी फ्रेंड के साथ और बच्चे पूरे फैमिली गए थे। और उसके बाद फिर ये जालंधर में ही है देवी तालाब है, वहाँ मैं गई थी। तो वहाँ का भी देखिए कितना अच्छा है,
देवी तालाब बहुत बड़ा है, बना हुआ है, बहुत सुंदर है, जैसे वैष्णो देवी रहता है उसी तरह बना हुआ है, सब कुछ सेम मिलता जुलता मिलेगा। यहाँ पर सभी प्रसाद ले रहे हैं, फिर मंदिर के अंदर जाएंगे, फिर पूजा करेंगे। यहाँ से जाने का, अंदर जाने का रास्ता है, दो लाइन है, एक लेडीज का एक जेंट्स का इधर जाने का। और इधर देखिए साइड में इधर कितना अच्छा बना हुआ है, ग्रीन ग्रीन वाटर दिख रहा है, बहुत बड़ा में बना हुआ है। देखिए मंदिर का व्यू कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर डेकोरेशन किया हुआ। अभी नवरात्रा है तो यहाँ पर भी भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है, और इसे भी बहुत सुंदर बहुत बड़ा में बना हुआ है देवी तलाव। देखिए ये दुर्गा जी का है, कितना सुंदर, यहाँ का भी दुर्गा जी बहुत सुंदर हैं, और यहाँ पर सारे फोटो क्लिक करवा रहे थे। ये सारा गोल्डन कलर से बना हुआ है, लगता है कि गोल्ड का ही है बना हुआ। ये झूमर कितना सुंदर लग रहा है। ये तो देख के ही पता लग रहा होगा, बहुत अच्छा ये टेंपल है, बहुत अच्छा। तो आप सबको दर्शन करा दिए ये जालंधर का देवी तलाव मंदिर, बहुत अच्छा है। नहीं, ये सैटरडे का ही वीडियो है, संडे वाली दूसरी वीडियो है। तो ये सैटरडे है, उस दिन शनि देव का पूजा होता है, तो शनि देव के आगे में घी का, तिल का तेल का दिया जला हुआ है। और देखिए यहाँ पर पानी के साइड में वासुदेव कृष्ण को लिए हुए थे सर पे, तो कितना अच्छा व्यू लग रहा था। और ये साइड में है उधर पानी वाला, वाटर वाला बना हुआ है, और चारों साइड मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर छठ के दिन में अर्घ भी पड़ता है देवी तालाब में।
आप सब मंदिर का दर्शन कर लीजिए, देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। तो फिर मैं क्या बोलूँ, बस देखते रहिए आप, बहुत सुंदर झूमर भी है, बहुत अच्छा मंदिर है। आप सब जो जो भी पंजाब से हैं होंगे तो पता ही होगा, देवी तालाब बहुत अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पर मंदिर का व्यू तो आप देख लिए, और फिर दूसरी वीडियो में होगा तो मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पर ये गुफा बना हुआ है टाइगर का। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा तो बताइएगा कमेंट करके, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।